जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज का वीडियो महिला उम्मीदवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जानकारी लेंगे कि वोमेन मिलिट्री पुलिस के अंदर यानी महिला सेना पुलिस के अंदर सोल्जर जीडी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए और क्या एजुकेशन होनी चाहिए। सोल्जर जीडी वोमेन मिलिट्री पुलिस अभी तक केवल सोल्जर जीडी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। एज 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी महिला उम्मीदवार उनकी एज 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन क्या, क्लास 10th या मैट्रिक पास विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि 10वीं 45% नंबर के साथ पास होना चाहिए और 33% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अपर एज लिमिट विल रेस्पेक्ट ऑफ विडोज ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज, एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग इन हु हैव डाइड इन हार्नेस। जो सैनिक हार्नेस में डाइड हुए हैं उनकी विडो को एज के अंदर छूट दी गई है। जिस दिन ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग होती है उस दिन तक 30 साल एज तक एप्लीकेबल है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1.6 किलोमीटर रन, सबसे पहला जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो 1600 मीटर दौड़ होगी। उसके अंदर स्टैंडर्ड क्या रिक्वायर्ड है, अप टू 7 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 7.5 मिनट तक जो महिला उम्मीदवार दौड़ में आ जाएगी उसको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाएगा। उसके बाद जो महिला उम्मीदवार 8 मिनट में आएगी दौड़ में उसको ग्रुप सेकंड में रखा जाएगा। इसके अलावा प्रोविजंस फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1600 मीटर रन इन हिली टेरेन इज एज फॉलोज, जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए 1600 मीटर जो रन का टाइम दिया गया है उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है बिटवीन 5000 फीट टू 9000 फीट, यानी कि हाइट 5000 फीट से 9000 फीट के बीच में है तो वहाँ के उम्मीदवारों को 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। बिटवीन 9000 फीट टू 12000 फीट, यदि 9000 से 12000 फीट के बीच में हाइट है वहाँ के उम्मीदवार को 120 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम में मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट ग्रुप के लिए 9.5 मिनट और सेकंड ग्रुप के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा जो पहाड़ी क्षेत्र से उम्मीदवार आते हैं। लॉन्ग जंप 10 फीट नीड टू क्वालिफाई, लॉन्ग जंप केवल आपको क्वालिफाई करना है। हाई जंप 3 फीट नीड टू क्वालिफाई, लॉन्ग जंप के बाद में हाई जंप भी करना है 3 फीट और वो केवल क्वालिफाई करना है, उसके लिए कोई मार्क्स या कोई टाइम पीरियड नहीं है। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर किस किस को रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है। हाइट सेंटीमीटर के अंदर है और वेट केजी के अंदर है। सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं, डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वार विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये जो कैटेगरी है इनकी जो बच्चियां होती है उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 2 केजी की छूट मिलेगी। इसके अलावा अडोप्टेड डॉटर, डॉटर इन लॉ ऑफ वार विडो, इफ सी हैज नो डॉटर इंक्लूडिंग ए लीगली अडोप्टेड डॉटर फॉर कंसिडरेशन ऑन डॉटर इन लॉ ऑफ सर्विंग सोल्जर, एक्स सर्विसमैन अडोप्शन शुड हैव बीन डन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सर्विसमैन ऑब्लिक एक्स सर्विसमैन। इस कैटेगरी की बच्चियों को भी हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलो की छूट मिलेगी। इसके बाद विडो ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस, जो हार्नेस में डाइड हुए हैं सैनिक उनकी विडो को भी 2 सेंटीमीटर की हाइट में और 2 केजी वेट में छूट मिलेगी। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम, गोरखा और गढ़वाली, इन सभी की उम्मीदवारों को हाइट में 4 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। मार्क्स इन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें किस किस को 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस मार्क्स के रूप में, डॉटर ऑफ सर्विसमैन,
डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वार विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें 20 नंबर का बोनस दिया जाएगा। विडो ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस, इस कैटेगरी वाले महिला उम्मीदवारों को 20 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा जो महिला कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है उनको भी बोनस मार्क्स दिया जाएगा। जिस बच्ची ने केवल एनसीसी ए सर्टिफिकेट लिया है उसको 5 नंबर की छूट दी जाएगी, जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उसको 10 नंबर की छूट दी जाएगी, और जिस महिला उम्मीदवार ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट ले रखा है उसको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से ही छूट मिलेगी। उसका केवल फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट चेक होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मिलिट्री वोमेन पुलिस के लिए महिला कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, जब वो अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जब रैली सेंटर के लिए बुलाया जाता है तो ये निम्न प्रकार के डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड प्रिंटेड विथ लेजर प्रिंटर, यानी एडमिट कार्ड होना चाहिए कलर के अंदर लेजर प्रिंटर से प्रिंट निकाला हुआ। 20 फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड, कैंडिडेट की 20 फोटोग्राफ्स ही होने चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट सभी ओरिजिनल होने चाहिए, यदि 10th 12th इसके अलावा भी एक्स्ट्रा एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है तो उसके सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होने चाहिए, और उसके साथ दो दो कॉपी फोटोकॉपी भी होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ्स होना चाहिए, यानी जो मूल निवास है वो फोटो के साथ होना चाहिए और तहसीलदार के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ्स, जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो भी फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए और तहसीलदार के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट, इफ रिलीजन एज सिख हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट जब भी जरूरत पड़ेगी यदि जाति प्रमाण पत्र के अंदर उन्होंने अपना धर्म नहीं दर्शाया है तो उनके लिए रिलीजन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और जिन बच्चियों ने जो अपना जाति प्रमाण पत्र के अंदर जाति के साथ धर्म भी दर्शा रखा है उनको रिलीजन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल या सरपंच के द्वारा 6 महीने के तक का वैलिडिटी है, कैरेक्टर होना चाहिए एग्जाम्पलरी। सी सर्टिफिकेट ए बी सी जो भी आपके पास उपलब्ध है वो अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जिन बच्चियों के फादर एक्स सर्विसमैन सर्विसमैन वार विडो जो भी कैटेगरी में आते हैं उनके पास रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा बनाया हुआ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और रिकॉर्ड की स्टैम्प होनी चाहिए। जब भी उसको बोनस के रूप में या रिलैक्स के रूप में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये विलेज सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा साइन किया होना चाहिए। महिला उम्मीदवार का सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी चेकबुक होनी चाहिए जिसमें उसका नाम हो, और पासबुक भी होनी चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। दोस्तों, वोमेन मिलिट्री पुलिस के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और दोस्तों में सैनिक जानकारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।